मेरे प्यारे समाजवासियों, सादर जय अग्रसेन। मैं विनोद अग्रवाल, अग्रवाल ग्रुप, आज आपसे देश एवं दुनिया की करंट परिस्थितियों के संबंध में बात करना चाहता हूं। करुणा, आज आपसे कुछ छुपा नहीं है। सर्वप्रथम यह धैर्य का समय है तथा व्यक्ति एवं समाज की पहचान विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। आज हम एक अनजान शत्रु से लड़ रहे हैं, या यह कहूँ कि हम किसी से लड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। केवल हम बचाव कर सकते हैं, और उसका एकमात्र तरीका स्वयं और परिवार को घर में रखना, बिल्कुल कहीं भी आना जाना नहीं, तथा एक समझदार नागरिक के अनुसार दूसरों को भी इस कार्य के लिए रोकना। अब प्रश्न यह है कि हम इस समय का क्या उपयोग करें। हम अपने जीवन की आपाधापी में कई बार स्वयं एवं परिवार को कोई समय नहीं दे पाते हैं। इस समय का उपयोग हम योग, व्यायाम, ध्यान एवं श्रेष्ठ पुस्तकें एवं ग्रंथों को पढ़ने पर लगाएं, जिससे हम स्वस्थ रह सकेंगे और अपने ज्ञान की वृद्धि हम कर सकेंगे। साथ में परिवार को समझें, उनको समय दें, बच्चों को समझें, उनको समय दें, क्योंकि हम बच्चों को कई बार समय नहीं दे पाते, समझ नहीं पाते, उनको संस्कार दें, तथा घर में यदि बुजुर्ग हों तो उनकी हम सेवा करें। महाराजा अग्रसेन जी, जो सामाजिक सोच एवं समाजवाद का सबसे बड़ा नारा एक रुपया और एक ईंट, आज की परिस्थितियों में इस रूप से कार्य करता है कि हम अनाज, भोजन, दवा, मेडिकल इक्विपमेंट, साफ सफाई के सामान, मास्क आदि की सर्वोत्तम आवश्यकता है। मैं समाज के प्रत्येक संगठनों का आह्वान करता हूं कि हमारे समाज के जितने भी अग्रबंधु हैं, उन्हें इन चीज़ की किसी भी रूप में आवश्यकता हो तो शीघ्रताशीघ्र हम उनकी व्यवस्था करें। हमारा समाज अन्य समाजों, अन्य व्यक्तियों के लिए भी सोचता है, तो हम प्रशासन के साथ, शासन के साथ या अन्य संगठनों के साथ उन्हें किसी भी रूप की कोई आवश्यकता हो तो हम उसकी भी व्यवस्था करें। शहर में हमारे बहुत सारे भवन, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, यदि शासन प्रशासन को उसकी आवश्यकता हो तो वो भी हम उन्हें दें, तो स्वास्थ्य, भोजन आदि के लिए उनका उपयोग हो सके। अंत में मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप अपना मोराल ऊँचा रखें, पॉजिटिव सोचें, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी बूस्ट करें, तथा अपने आसपास सफाई रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और प्रभु चरण में यह विनंती करें कि यह जो भी विपदा है वह शीघ्रताशीघ्र समाप्त हो और हमारा अगला रास्ता प्रशस्त हो। मैं सदैव समाज, शहर एवं देश के साथ रहा हूँ और आज भी मैं सबके साथ हूँ। मेरी जब भी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से लॉकबंदी हुई है मैं भी मेरे पूरे परिवार के साथ घर पे हूँ। आप सब भी अपने घरों पर रहें और सुरक्षित और स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय हिंद।